हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के 10 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, इन जो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन वीडियोज को जाके पहले देखिए और उसके बाद में लेक्चर नंबर 11 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन इससे पहले हम लोग एक टॉपिक है उसको हम पढ़ लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है। वैसे तो मैंने आप लोगों को जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो लेक्चर पढ़ाया था, आई थिंक 5th नंबर का लेक्चर होगा वो, उसको जाके देखोगे तो वहां पे आप लोगों को बताया था कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल को एक नाम से और जाना जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होता क्या है वो समझो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है, रेशनल नंबर है 2/3। तो अब हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल फाइंड करने का क्या मतलब है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -2/3। इसका सिंपल मतलब अभी के लिए याद रखो, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया तो वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो। अभी हमारा ये यूज करना है इसलिए मैंने यहां लिखा है। तो क्या होगा, -2/3 का रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, तो कितना हो जाएगा 3/-2। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसी के बेसिस में हमारे को क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखिए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिवाइड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, बाकी के 4 क्वेश्चन यहाँ है, 1 क्वेश्चन यहाँ है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, डिवाइड दिस नंबर, दिस रेशनल नंबर बाय दिस रेशनल नंबर, हमें इस रेशनल नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो पहले तो डिवाइड का साइन लगा लेते हैं, तो क्या होगा, -16/35 को डिवाइड करना है -15/14 से। आई होप ये चीज यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, ये मैं जो आगे करने वाला हूं। एक्चुअल में जो डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस है, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी नंबर को, जैसे मान लो कि 5 एक नंबर था, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया, 15। फिर जिससे मल्टीप्लाई किया था ना, उस रिजल्ट को क्या करो, जो उसको वापस उसी से डिवाइड कर दो, तो हमारे को फिर से क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस है। तो हम उसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, हमें डिवाइड करने का तरीका ये निकाला है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना लेंगे और फिर उस हिसाब से सोल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, देखो -16/35 डिवाइड को क्या बना लेंगे, मल्टीप्लाई। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई बनाया है तो जिससे डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल यानी रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में कन्वर्जन होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका निकालना है हमारे को, इसका लिखना है यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो यहाँ कितना होगा, 14/-15। अब आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई बन चुका है, मल्टीप्लाई को सोल्व कैसे किया जाता है वो हमारे को पहले से आता है। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम उनको करते हैं, या तुम आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फाइनल रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम यही सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है और ये 7 से 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। अब देखो 16/15 किसी से नहीं होता, 5/16 भी नहीं होता, 5/2 भी नहीं होता, यही हमारा क्या हो जाएगा, आगे सोल्व करके लिख देंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, उसके बाद में यहां क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का आएगा, और 5/15 जब करोगे, 15/5 जब कितना आएगा, 75 आएगा। देखो अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को कैंसिल करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 35/75। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फर्दर तीनों चार एग्जांपल्स को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो देखो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे -5/12, फिर डिवाइड को क्या बनाना है, मल्टीप्लाई बनाना है,
और फर्दर आगे क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 12 अपॉन माइनस का 5। देखो किसी से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम, और तो कुछ नंबर हो नहीं रहा डिवाइड। तो ऊपर 4 4 जा 16 और नीचे 3 और माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। अब ध्यान रखना नीचे नेगेटिव है तो इसको ऊपर लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, या तो 16 अपॉन माइनस 15 बोल दो या माइनस 16 अपॉन 15 बोल दो। तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट आ गया। अगर दोनों अभी भी किसी से डिवाइड हो रहे तो आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या करना है, माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 7 अपॉन 16, फिर इसको क्या लिखेंगे, माइनस 8 मल्टीप्लाई 16 अपॉन माइनस 7, रेसिप्रोकल करना है डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के। देखो ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, पहले तो 8 के नीचे क्या लगा सकते ऊपर, तो ऊपर वाले को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 16 8 जा कितना होता है, 16 5 जा होता है 80, तो 16 3 जा 48, तो 80 और 48 कितना हो जाएगा, 28 करोगे 100 और फिर 28 8 करोगे तो माइनस का 128 हो जाएगा, नीचे कितना आ गया 7। अगर आगे सिंप्लीफाई हो रहा, सॉरी ऊपर, हाँ यहाँ देखो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, पर नीचे माइनस का 7 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर आगे क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट पॉजिटिव बना के लिख सकते हो। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल, तो देखो माइनस 65 अपॉन 40 डिवाइड माइनस 13 अपॉन 7, फिर आगे सोल्व करोगे माइनस 65 अपॉन 40 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना, अगले वाले जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करना, तो ये आएगा। फिर देखो कुछ डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 हो गया। तो देखो ऊपर तो आया माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 यानी माइनस का 5, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी माइनस का 2, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा 5 बाई 2, क्या हो गया हमारा आंसर निकल के आ गया। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेम सिचुएशन को भी सोल्व करते हैं, तो देखो पहले माइनस 1 अपॉन 10 डिवाइड माइनस 8 अपॉन 5 लिखा, फिर आगे क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 10 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे 5 अपॉन माइनस 8 हो जाएगा। अब आगे देखो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 डिवाइड हो रहा था, ऊपर तो आया माइनस 1 और 1 माइनस का 1, नीचे आया 2 और माइनस 8 माइनस का 16, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया यानी 1 अपॉन क्या हो गया 16, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को 5-6 एग्जांपल है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लैंग्वेज में भी कई बार क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज माइनस 16 अपॉन 9, दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, माइनस 16 अपॉन 9 है, जिनमें से एक नंबर कितना दिया हुआ है, माइनस फोर अपॉन 3 है, तो हमारे को अनदर नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, मैं यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं इसकी, ठीक है, तो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स वो कितना दिया हुआ है, माइनस 16 अपॉन 9। वन नंबर कितना दिया हुआ है, एक नंबर तो हमारे को कितना दे दिया उसने, माइनस 4 अपॉन 3। अब दूसरा हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स, मान लो एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोचे, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके हिसाब से सोचे, तो जो नंबर हमने माना है, जो नंबर दिया है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस 16 अपॉन 9 आना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं, आपको शायद विजिबल नहीं होगा, तो देखो क्या होगा, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई करें अगर माइनस 4 अपॉन 3 से, भाई क्वेश्चन में तो ये तो बोला है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, माइनस का 16 अपॉन 9। आई होप यहां तक आप लोगों को ये इक्वेशन बनानी आ गई होगी, ये ध्यान रखना ये वाला पार्ट इसका है, ठीक है, इस वाले एक। अब क्या करना है, देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए यानी कि वो नंबर चाहिए, तो ये माइनस 3 अपॉन ये माइनस 4 अपॉन 3 इधर अभी किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, माइनस 16 अपॉन 9 डिवाइड माइनस 4 अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा, डिवाइड को सोल्व करना भी हमने सीखा ही है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ऊपर कितना आया, माइनस 4 और 1 माइनस का 4 आ गया, और नीचे 3 और माइनस 1 माइनस का 3 आ गया। जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 अपॉन 3, यानी कि हमें 4 अपॉन 3 से क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तब जाके हमारे को क्या मिलेगा, माइनस का 16/9 मिलेगा। आई होप ये सभी एग्जांपल्स और ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके।